से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास शुरू हो रहा है और आप लोग की समस्या को देखते हुए, जैसे कि आप लोग का प्रॉब्लम था, आप लोग की शिकायत थी, कमेंट्स में आया था कि बोर्ड चमक रहा है, तो उसके लिए बोर्ड को जो है चेंज कर दिया गया, आवाज नहीं आ रही थी उसके लिए माइक की फैसिलिटी अपनाई गई है ताकि आप लोगों को सुनाई दे। तीसरी बात, आपको साफ ना दिखाई दे रहा था, मार्कर की फैसिलिटी हटाकर अब इस चौक की जो है सुविधा यहाँ अवेलेबल कराई गई है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो आप लोगों को शिकायत आ रही थी कि दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है या साफ नहीं दिख रहा है, अब उम्मीद है कि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, ये सब कोचिंग संस्थान की शिकायत मिलने के बाद आपकी शिकायत आई, तो शिकायत सुनने के बाद यह जो फैसिलिटी तुरंत जो है अवेलेबल कराई गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए कोचिंग संस्थान आपके भविष्य के लिए काफी उत्तरदायी है और आपके भविष्य को देखते हुए ये फैसिलिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ना बोर्ड चमकेगा, ना आपको बोर्ड काला धब्बा दिखाई देगा, ना आवाज की किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। अब आवाज भी स्पष्ट जाएगी और स्पष्ट दिखाई भी देगा। तो आज से शुरू करते हैं पढ़ाना। बहुत सारे कमेंट्स में हम पढ़े हैं, कमेंट्स आया था कि आप जो है लेक्चर दे रहे हैं तो टाइम पास हो रहा है या जो है क्लास जो है ज्यादा लग रहा है। अब वो आपकी शिकायत आज से दूर हो जाएगी, आज से अब लिखाते हैं, अब टाइम पास ना होगा, बहुत आपको जल्दी है तो कोशिश करते हैं आपकी जो जल्दी है उसको पूरा किया जाए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, कुछ छूटे ना, कोई विषय आपका टाइम पास हो, टाइम पास ना हो। और आज के बाद लेक्चर क्लास बंद हो गया, 5 लेक्चर थे, लेक्चर देना अनिवार्य था। हम जानते थे आपको टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है या हम टाइम पास कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको अजीब लग रहा होगा, तो अब आज से पढ़ाई हो रहा है ना, अब आज से बैठ के लिखिए, समझिए। अब आपसे अब आज से कोई परेशानी ना, ना ही आपका टाइम पास होगा, ना ही आज से बोर्ड चमकेगा, ना ही आज से आवाज क्लियर जाएगी, अर्थात सब बात आप सब समस्या दूर हो गई। अब आज से बैठ कर लिखिए, पढ़िए और समझिए। आज से लेक्चर देना बंद, समझाना बंद, अब आज से केवल पढ़ाएंगे, चुपचाप लिखिए और चुपचाप समझिए और चुपचाप घर पर बैठ कर क्लास ऑनलाइन कीजिए और उसको देखिए। तो याद कीजिए कि हम बोले थे कि ऐसे लेसन 1 हेडिंग किए थे, अपने पॉइंट पर वापस आते हैं, ऐसा हेडिंग किए थे लेसन 1 और लिखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में थे स्थिर विद्युत या विद्युत स्थैतिकी। और 4 दिन से आपको केवल यह समझा रहे थे, जो जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना था वो टॉपिक समझा रहे। अब आज से लिखा रहे हैं, अब कॉपी में लिखिए, आपके घर पर कॉपी हो लेकर बैठ के उसको लिखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ डाउट हो दोबारा आप पूछ सकते हैं या डाउट नहीं होगा, आप चिंता मत ना करें। तो शुरू किया करते हैं। याद कीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग चार्ज एंड इंटेंसिटी, दूसरा भाग गॉस थ्योरम एंड इट्स अप्लीकेशन, और तीसरा भाग था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा भाग था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो 4 भाग को देखते हुए हम भाग पार्ट नंबर 1 का अभी तक लेक्चर दे रहे थे, कल लेक्चर समाप्त हो गया, आज से क्लास को शुरू से लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जहां डाउट हुआ बोलिएगा। तो शुरू करते हैं, पहला आपका पहला जो है पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो था चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो मार्कर से पहले लिखने के आदि था, अब चौक से लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक आधे दिन में जो है मेंटेनेंस हो जाएगा, आप चिंता ना करें, प्रयास करते करते हो जाएगा। चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रोस्टेट्स का पहला पार्ट था। आज से धीरे धीरे बोल रहे हैं, एकदम आराम से बोलेंगे, आराम से लिखाएंगे ताकि आपको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे
और जो बोर्ड पर साफ सुथरा जो शब्द लिखा जाए वो भी आपको दिखाई दे। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश एवं क्षेत्र तीव्रता। दिखाई दे रही है चार्ज स्पेलिंग सी एच ए आर जी चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी स्पेलिंग स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा होगा आवेश एवं क्षेत्र। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट है, आज से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, देखिए उसने लिखा था राइटिंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, अब राइटिंग भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा और परिभाषा भी स्पष्ट सुनाई देगा। तो यहां से इसकी परिभाषा लिखते हैं, बोल के बोल भी देते हैं और लिख भी देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रो ये हेडिंग करने के बाद, इसको हेडिंग करने के बाद, इसे हेडिंग करने के बाद इसको हेडिंग करना है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देकर इसकी परिभाषा लिखना है। दोनों काम करते हैं, बोलते भी हैं लिखते भी, ताकि छूटे नहीं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। बोल देते हैं भी है और लिख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, दोनों काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हेडिंग करना है, लेसन वन हेडिंग हो गया है। उसके बाद जहां आपका स्पीड ज्यादा हो तो आप मोबाइल में ऑल या क्लास कर रहे हो उसको स्टॉप करके उसको लिख लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग कीजिए, उसके बाद स्थिर विद्युत या विद्युत स्थैतिकी की हेडिंग कीजिए। उसके बाद यह पार्ट नंबर वन है, इसका पार्ट चार पार्ट है। तो पार्ट नंबर वन चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी आवेश एवं क्षेत्र तीव्रता। उसके नीचे स्टार्ट देके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देकर डैश दीजिए, लिखिएगा भौतिकी विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। हो गया, तो ये रहे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा, अर्थात जिसमें आवेश स्थिर हो वह ब्रांच जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। हमको उम्मीद है आप लोग इतना लिख लिए हो, तो आगे बढ़ें। हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ना क्या है, राइटिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी,
बड़ा बड़ा भी लिखे हैं, साफ सुथरा भी लिखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ऐसा ही हर टॉपिक को हेडिंग करेंगे और उसको लिखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चुपचाप बैठकर आप मोबाइल से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और अब कोई शिकायत आपकी नहीं रहेगी। सर अब हर शिकायत को दूर किया गया है, अब आप चुपचाप आराम से उसको बैठकर पढ़िए, उसको याद कीजिए, बिठाए इसको। चलिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की बेचैनी थी, अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है आपका, वो है देखिए तो ऊपर दिखाई दे रहा है चार्ज, हिंदी बोलते हैं आवेश। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद उसका है चार्ज, हिंदी बोलते हैं आवेश, ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी बोलते हैं विद्युत आवेश, दोनों बात बोल रहे हैं। अगर आपको सुनाई दे रहा है तब भी लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है तब भी लिखिए। अब आपको ना साउंड का प्रॉब्लम है और ना ही आपको जो बोर्ड रिफ्लेक्शन हो रहा था उसका प्रॉब्लम है, हर बात दूर हो गया। अब दिखाई देता है देख के लिखिए, छूट जाता तो वहाँ वीडियो को जो है पॉज कर दीजिए ताकि आपका जो है वीडियो जो ऑनलाइन चल रहा है वो रुक जाए और उसको इसको नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को आप लीजिए क्या बोलते हैं प्ले कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए, जहाँ छूट जाता है वहाँ वीडियो को आप स्टॉप करके वहाँ पर उसको लिखिए। अब उसके बाद फिर आप आगे उसको ऑनलाइन करके प्ले करके उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद चार्ज, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ताकि आपका छूटे नहीं। अब चार्ज का परिभाषा क्या होता है, देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोल भी रहा है और लिख भी रहा है, दोनों का कीजिएगा। वह भौतिक राशि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी बोलते हैं इसको, वैद्युत प्रभाव, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी बोलते हैं वैद्युत प्रभाव, उत्पन्न करता है वह चार्ज कहलाता है, इसे किसे चार्ज को इसे क्यू से सूचित किया जाता है,
इसका एस आई यूनिट कूलम, हिंदी में बोलते इसको इसे कूलम, इसका एस आई यूनिट कूलम एवं बीमा, इट मीन्स डायमेंशन, बीमा एटी या आईटी होता है। फिर से कोई पूछे आवेश क्या है, तो एक बार बोर्ड पर लिखे भी हैं, आप देख कर लिख सकते हैं या बोल भी हैं, सुनिएगा कि वह भौतिक राशि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी बोलते हैं वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है वह चार्ज कहलाता है, इसे Q से सूचित किया जाता है, इसका एस आई यूनिट कूलम एवं बीमा एटी या आईटी होता है, इसका सीजीएस मात्रक ESU, आवेश का सीरियस मात्रा क्या होता है, ESU पूरा नाम इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट होता, इसका सीरियस यूनिट क्या होता है, ESU बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट, इसका पूरा नाम है ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैट, यू से यूनिट, ये आवेश का सीरियस मात्रक है ESU होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये रहा आपका आवेश का परिभाषा, दिखाई दे रहा है तो देखिए, सुनाई दे रहा है सुनिए, बोल भी देते हैं और लिख भी देते हैं, सुनिएगा, वह भौतिक राशि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करता है वह चार्ज कहलाता है, इसे क्यू से सूचित किया जाता है, इसका एस आई यूनिट कूलम्ब, सी ओ यू एल ओ एम बी कूलम्ब एवं बीमा एटी या आईटी होता है, इसका सीजीएस मात्रक ESU अर्थात इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस यह एक अदिश राशि है। ये रहा आपका आवेश का परिभाषा और आवेश का मात्रक और आवेश का बीमा और आवेश का सीजीएस यूनिट, और इतना हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये परिभाषा हो गया आप लोग का, अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहे ऊपर लिखते हैं, इसमें और कुछ लिखना है, लिख लियो सब कोई,
नेक्स्ट है उसी में लिखना कि एक कूलम जो होता है, एक कूलम जो होता है वह 3×10^9 Es2 के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है एक कूलम्ब बराबर 3×10^9 Esu, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6×10^-19 कूलम्ब, ये आवेश होता है। तो ये रहे आपका आवेश का परिभाषा, तो ये परिभाषा लिखा है, ये दो पॉइंट लिख लीजिए, एक कूलम्ब बराबर 3×10^9 Esu, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.6×10^-19 कूलम्ब होता है। यह है आवेश का न्यूमेरिकल मान। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम कन्या कन्या खाली 9 साल भी वाला मोबाइल का चार्जर दे दो। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, ये आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, लेक्चर क्लास में बताए थे, जो लेक्चर क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग बकवास लग रहा था, अब पढ़ाई हो रहा है अच्छा किए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, होता है पॉजिटिव चार्ज, हिंदी बोलते हैं धनावेश, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, हिंदी बोलते हैं ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इसको लिखिए। ये रहा आपका आवेश का परिभाषा और आवेश के प्रकार। आगे बढ़ाएं, अब चलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। जब किसी बोल रहा है और लिख दोनों रहा है, दोनों काम कीजिए, सुन के लिखिए या देख के लिखिए, दोनों से कोई आप कर सकते हो, एज लाइक यू, जब किसी पदार्थ से किसी पदार्थ के सतह से जब किसी पदार्थ के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के कारण, जब किसी पदार्थ के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के कारण,
जो आवेश उत्पन्न होता है वह पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज की परिभाषा कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। एग्जांपल इसका देखिए, ये सोडियम एक परमाणु है, अब इस सोडियम परमाणु का जान तो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं परमाणु संख्या का एटॉमिक नंबर हुआ है 11। अब 11 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पड़े हो 2, 8, 1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है छोड़ देता है, तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण ये सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है, ये दे दिया, इस पर एक चार्ज आएगा उसका प्लस चार्ज। अब यह प्लस चार्ज ही इस सोडियम का क्या कराएगा पॉजिटिव चार्ज कराएगा। इस एग्जांपल में देख लीजिए, हो गया इसको था, नेगेटिव चार्ज, हिंदी बोलते हैं रिलावेश। की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी पदार्थ के सतह पर बाहर ये चौक से पहली बार लिख रहा है इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रहा था, धीरे धीरे गोल गोल हो जाएगा, सुंदर सुंदर हो जाएगा, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, 5-6 दिन में हो जाएगा। जब किसी पदार्थ के सतह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह नेगेटिव
चार्ज कहलाता है। जब किसी पदार्थ के सतह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह नेगेटिव चार्ज कहलाता है। उसमें था पॉजिटिव में जब किसी सतह पर किसी पदार्थ के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वह पॉजिटिव चार्ज, आज जब किसी पदार्थ की सतह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने का जो आवेश उत्पन्न होता है उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जब किसी पदार्थ के सतह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करता है, प्राप्त करता है, तो लेने के दौरान यह बन जाता है क्लोरीन आयन, और यह आयन ही इस क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज कहलाता है। ये हो गया आपके आवेश दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का परिभाषा लिखा दिए, उसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का परिभाषा बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये रहा इसका एग्जांपल। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं होगा। इसमें क्या डाउट है? परिभाषा लिखा है, थ्योरम हो उसमें डाउट होगा, इसको मिटाएं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट में आता है मूव नंबर, नोट वन, ऐसे नोट करके आता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा भी गया है। नोट नंबर वन क्या है? तो स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते आपका नोट नंबर वन कि स्थिर आवेश के कारण थोड़ा सा ये लाइन किसी में टेढ़ा हो जाएगा। आज पहली बार जो है बोर्ड पर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ये गोल गोल एक सिद्ध में नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा रहा है, आराम से पढ़ रहा है। तो अब क्या बोलते हैं, अक्सर स्पष्ट रूप से भी दिखाई भी दे रहा होगा, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सीधा सीधा एकदम स्टेप पर लिखेंगे। इससे लिखने में थोड़ा सा हाथ भी दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा गतिमान आवेशों के आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत को
करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये नोट है, कोई पूछे स्थिर आवेश का उत्पन्न विद्युत क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आगतिमान आवेश का उत्पन्न विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, ये हुआ नोट नंबर वन। अब चलिए नोट नंबर दो में इसको मिटाते हैं, नोट नंबर दो। नोट नंबर दो क्या है, तो जब जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघी ऋणावेशित एवं बाल धनावेशित हो जाता है। ये नोट नंबर दो है, बताया था क्यों हो जाता है, जब लेक्चर दे रहा था उसमें समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, एग्जाम में आता है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघी क्या होती है, ऋणावेशित, और बाल क्या होता है, धनावेशित होता है। एग्जाम में आता है जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं तो कंघी हो जाती है, क्या ऑप्शन रहेगा, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, कितना टाइम हो गया, 38 दो मिनट, आगे बढ़े, ये हो गया नोट नंबर दो, मिटका रहे हैं। आप अपने वीडियो जो है रोक के दे सकते हैं, जहां जल्दी हो जाए तो उसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर तीन, नोट नंबर तीन क्या है, जब कांच के छड़ को, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशित
रेशम का कपड़ा रणवेशित हो जाता है। ये नोट नंबर आपका 3 है। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या होता है? धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको लेक्चर में बताए थे, समझाए थे। अब केवल लिखा है तो लिख भी रहा है, बोर्ड पर साफ सुथरा लिखा भी है, पढ़ा भी रहा होगा। तो जब कांच पढ़ भी देता है ताकि कंफ्यूजन हो जाए, कोई अक्षर आपका वर्ड जो है कोई सब पढ़ा नहीं रहा है उसको पढ़ लेते हैं। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशी तथा रेशम का कपड़ा रावेशित हो जाता है। ये आपका नोट नंबर क्या है? 2 है, 3 है, एक और नोट है। टाइम हो गया है तो आज इतना ही रखते हैं, कल आते तो नोट नंबर 4 पढ़ाएंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना होता होगा, आवाज स्पष्ट रूप से जा रही होगी, बोर्ड पर आप साफ सुथरा दिखाई देता होगा, बोर्ड वाला जो चमकने वाला काम या धब्बा दिखाई दे रहा है या कला दिखाई दे रहा है या बढ़िया से दिखाई ना दे रहा, जो भी आपका कमेंट आ रहा था, बहुत सारे आप उल्टा सीधा कमेंट किए हो, तो अब आपका कमेंट दूर हो गया, अब आपकी जो शिकायत दूर हो गई, अब बोर्ड पर चुपचाप लिखिए, देखिए और समझिए और घर पर बैठ कर उसको आराम से याद कीजिए और पढ़िए। आज इतना ही टाइम हो गया है, कल आते हैं तो इसको नोट नंबर 3 के बाद नोट 4 लिखा के उसका टॉपिक जो आगे पढ़ना आपकी किताब में पढ़ाएंगे। पहला दिन है और इसको लेक्चर नहीं दे रहा, पढ़ा रहे हैं तो पहला दिन है तो लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो बोर्ड पर ये चौक से पहली बार लिख रहे हैं तो अब थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, 2-3 दिन में मेंटेनेंस हो जाएगा तो हम उसकी जो है साफ सुथरा लिखेंगे और बोर्ड बोर्ड सुंदर सुंदर लिखेंगे, फिर भी आप आपको दिखाई दे रही है इसलिए आराम से लिख रहे हैं, आपको कोई परेशानी ना हो, अब कोई कमेंट ना आए उल्टा सीधा कि आप दिखाई दे रहा है सर, सर आवाज़ नहीं आ रहा है, तमाम बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अब आराम से लिख रहे हैं, गोल गोल धीरे धीरे लिख रहा है ताकि भले सिलेबस थोड़ा सा ये हो लेकिन आपका जो है पकड़ में आ जाए, सब समझ में आए, लिखा जाए और छूटे नहीं। तो चाहे तो हम तेजी में पढ़ा सकते हैं, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्या है सब चाहते हो तो बोल सकते हो, भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो समझ में आए और सिलेबस ना छूटे, बच्चा उसको आराम से लिख मिले, इसे धीरे धीरे बोल रहे हैं और धीरे धीरे लिखा रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। आज इतना ही टाइम हो गया, ऑल द बेस्ट, फिर कल आते हैं तो मिलते हैं। ओके okay.